तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ सैमसंग की एक ऐप के बारे में जिसका नाम है कोर सर्विसेज। दोस्तों उस ऐप में एक नया अपडेट आया और ये ऐप किस काम का आती है इसके बारे में आगे आपको बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, मैं आपको बताने वाला हूँ सैमसंग कोर सर्विस ऐप के बारे में जिसमें एक नया अपडेट आया और कैसे इसको यूज करते हैं। तो उसके लिए जाना है आपको अपने सैमसंग गैलेक्सी स्टोर में। गैलेक्सी स्टोर में जाने के बाद आपको जाना है यहाँ पर मेन्यू में और अपडेट्स वाले ऐप्स में चले जाना है। वहां पर आप देखेंगे तो वहां पर आपको मिल जाएगा सैमसंग कोर सर्विस नाम से, ये आपको अपडेट्स नया मिल जाएगा सैमसंग कोर सर्विसेज। आप देख रहे होंगे इस ऐप में नया अपडेट आपको यहाँ पर अवेलेबल मिल जाएगा। नीचे की तरफ आएंगे तो आप देखेंगे इस अपडेट को कब रोल आउट किया गया था। 7 अप्रैल को रोल आउट किया गया था, जो कि धीरे 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 सभी मोबाइल्स में रोल आउट होती है। सबसे पहले प्रीमियम्स में, फिर मिड रेंज में और सबसे लोअर रेंज में बाद में आती है। तो इस तरीके से रोल आउट होती है। यहाँ पर आप देखेंगे इसका साइज है 105, 105 MB का अपडेट है और इसका वर्जन नंबर है 2.1.00.36। यहाँ पर आप देखेंगे इसमें क्या नया चेंजेस किया गया। इंक्लूड द फॉलोइंग अपडेट्स, माइनर बग्स फिक्सेस किए गए और ऐप की स्टेबिलिटी और रिलायबिलिटी को इम्प्रूव किया गया। तो पहले जब तक मैं कर लेता हूँ अपडेट आपको, जब तक मैं कर लेता हूँ इसको अपडेट, यहाँ पर आप देखेंगे जब तक मैं इसको अपडेट कर रहा हूँ और यहाँ पर आप देखेंगे इस ऐप का यूज़ क्या है। इस ऐप का ये यूज़ है, आप देखेंगे सैमसंग कोर सर्विस इज एन एप्लीकेशन फॉर क्विक एंड ईजी प्रोविजन ऑफ द मेन फीचर यूज बाय सैमसंग एप्लीकेशन, प्रोवाइड इंप्रूवमेंट सर्च एक्सट्रैक्शन एंड इंटेलिजेंस फीचर बेस्ड ऑन टेक्स्ट एंड इमेज। जो भी टेक्स और इमेज से रिलेटेड या सर्च से रिलेटेड जो भी फीचर्स होते हैं सब ये काम करता है और ये सारी एप्लीकेशन में काम करता है। कैमरे में, गैलरी में, कॉन्टेक्ट में, मैसेज में, सेटिंग्स में एंड फाइंडर्स में, जितनी भी सैमसंग की सर्विसेज हैं सब में ये काम करता है। सैमसंग सर्च इज ऑन द डिवाइस सर्च इंजन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड इनहांस सर्च फंक्शन टू वेरियस सैमसंग। जैसे कि आप वहां पर सर्च करेंगे फाइंडर ऐप में जाके, तो जो भी गैलरी में, कॉन्टेक्ट में, सेटिंग में, फाइंडर में कुछ भी फाइंड करेगा वो इसी के थ्रू होता है। बॉन्डिंग बॉक्स टैग सेक्शन, तो जो भी कुछ टैग्स होंगे उसको हाईलाइट करके ये बताता है और यहाँ पर कुछ सजेशंस भी आपको देता है। इस तरीके से ये काम करता है। रीड द इनकमिंग मैसेज एंड एग्जिट द वेरिफिकेशन कोड टू प्रोवाइड इनलाइन सजेशन इन कीबोर्ड। जो भी अगर आप मैसेज यूज करते हैं, अगर कोई उसमें OTP आता है जो आपको एक लाइन में सेलेक्ट करके बताता है, वो भी यही काम करता है सैमसंग कोर सर्विसेज। इस आपकी सर्विसेज ये काम करता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे, अगर कोई यहाँ पर सर्च मार रहा है फाइंडर ऐप में जाके एनिमल लिख के, आप देख रहे हैं जैसे यहाँ पर दिख रहा है ये सर्च मारा है, तो ये नीचे जो सर्च आ रहा है ये पूरी तरीके से कोर सर्विस के थ्रू वर्क कर रहा है, ये पूरा कोर सर्विस वर्क कर रहा है। और अगर आपने कोई स्क्रीनशॉट लिया है और स्क्रीनशॉट में भी कुछ आपको बता रहा है, तो ये सब चीज़ें पूरी की पूरी सैमसंग कोर सर्विस के थ्रू ही यूज होती हैं। आप देख रहे होंगे सब तरीके से सैमसंग कोर सर्विस ही यहाँ पर यूज करता है। मैं आपको यूज करके बताता हूँ कैसे। लाइक अब मैंने यहाँ पर यह स्क्रीनशॉट लिया, ठीक है। अब स्क्रीनशॉट लेने के बाद मैंने इसको ओपन कर लिया, ये मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर जो टिक पे हाईलाइट मिल रहा है, जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ से आप टेक्स्ट को कैप्चर कर सकते हैं। तो ये जो काम कर रहा है ना, ये पूरा सैमसंग कोर सर्विसेज ही कर रही है। अब इसको इम्प्रूवमेंट कर दिया गया है ताकि जो सर्विस है बहुत ही अच्छे तरीके से काम हो, क्विक हो और इसकी स्टेबिलिटी भी इम्प्रूव हो और कोई भी बग ना हो, तो ये काम करती है। और मान लो मैंने यहाँ पर एक गैलरी है, मान लो ये है, मैंने इसका यहाँ पर स्क्रीनशॉट लिया और मैंने इसको यहाँ पर स्क्रीनशॉट लिया और इसको मैंने एडिट पे ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद जो ये सजेशन दे रहा है ना, ये सब भी काम भी सैमसंग कोर सर्विस का ही है। तो जो भी चीज़ आपको सजेशन देती है या फाइंड्स करने को देती है, वो सब सैमसंग कोर सर्विस ही करती है। और लाइक मैंने यहाँ पर फाइंड करा, लाइक मैंने यहाँ पर लिखा सैमसंग, तो ये चीज़ भी जो काम कर रही है ना, ये सैमसंग कोर सर्विस ही काम कर रही है। जैसे कि उसने ऐप सर्च करी, सैमसंग मेंबर्स ऐप में सर्च किया, सेटिंग्स सर्च की, कॉन्टेक्ट सर्च किए और सर्च, यहाँ पर आप सब कुछ यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये जो सारा काम है सिर्फ सैमसंग कोर सर्विस ही काम करती है, जिससे कि आप इजीली जो भी सर्विस है सर्च से रिलेटेड या फिर स्क्रीनशॉट से रिलेटेड, इमेज से रिलेटेड, आप इजीली उसको अच्छे से क्विकली वर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों यही नया अपडेट था सैमसंग कोर सर्विस में। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो थैंक यू।
तो उसमें उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक जरूर करें, और अगर आपको लगता है उसमें कुछ कमी है तो डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी, आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम या फेसबुक पे डीएम करके भी पूछ सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो, ताकि ऐसी नई अपडेट सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो थैंक यू।